देखिए सब लोग बुक में पेज नंबर 93 है, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक ना। ये दंड चित्र दिए हुए हैं, यहाँ देखिए लिखा है बच्चों की संख्या और ऊपर लिखा है परिवारों की संख्या। तो देखो एक परिवार में पहले में कितने बच्चे हैं, परिवार में देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है, कितनी संख्या है, एक है ना, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छह। तो देखो एक परिवार वाले बच्चे कितने हैं, 50 हैं। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ परिवारों की संख्या दी है, यहाँ बच्चों की संख्या दी हुई है, ठीक ना। किसी क्षेत्र में परिवारों और बच्चों की संख्या के ये दंड चित्र है, इसका विषय क्या है और यहाँ दिया है पैमाना, 1 सेंटीमीटर = 10 परिवार। अब यहाँ आप लोग क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 94 पे, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, क्या सूचना प्राप्त हो रही है। यहाँ पे देखो विषय दिया है किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या, तो पहले का आंसर लिखोगे 4D ई है ना, कि दंड चित्र में परिवार और उनके बच्चों की, हाँ उनके बच्चों की संख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कितने परिवारों में केवल एक बच्चे हैं, बताओ देख के। एक परिवार में 50 नहीं, एक बच्चे कितने परिवार में है, 50 परिवार में, परिवारों की संख्या इधर दी हुई है। दो बच्चे वाले कितने परिवार हैं, देख के बताओ, 90। कितने हैं, 90। हाँ यहाँ देखो अब देखना आया तुम लोग, कितने बच्चे हैं, 90। तो दो परिवारों में कितने बच्चे हैं, 90। दो बच्चे 90 परिवार में हैं, उल्टा बोले थे। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, ये बताओ, कितने परिवारों में 3 से, देखो ये 3 बच्चों वाला है ना डंडा रेख तीसरे नंबर पे। अब देखो एक परिवार और दो, एक बच्चे और दो, दो बच्चे वाले परिवार, तो एक बच्चे वाले परिवार कितने हैं, 4। कितने हैं, और दो बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 90। तो दोनों को प्लस कर दो, 90 + 50 कितना हो जाएगा, 140। कितना हो जाएगा, 140। तो 140, हाँ 140 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 से कम बच्चे हैं। क्या है पूछा है ना, कि कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या, तो यहाँ देखो दंड आरेख में ये तीसरा वाला है ना, नो अब यहाँ देखिए आप लोग, चार बच्चे वाले परिवार का ये दंड आरेख है, इसमें कितने परिवार हैं, 30 लिखो। उसके बाद देखो अधिक चाहिए ना 3 से, 5 परिवार वाले बच्चे कितने हैं, 15, तो 15 लिखो। फिर क्या है 6 परिवार वाले कितने वो परिवार हैं, 6 बच्चों वाले, 5, तीनों को प्लस करो, प्लस करके बताओ, 30, 15 और 5, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, और 30 मिलके 50, तो 50 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 से अधिक बच्चे हैं, 3 से अधिक बच्चे। एक बार 3 से कम पूछ रहा है, एक बार 3 से अधिक पूछ रहा है। अब देखो क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो सबसे अधिक बच्चे किस परिवार में है, ये 6 वाला जो स्तंभ है ना, तो देखो इसमें कितने 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें 6 बच्चे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 परिवार, क्या हो जाएगा, 6 बच्चे किस परिवार में है जिसमें ये स्तंभ है ना सबसे छोटा वाला, इस परिवार में इतने परिवार में यानी 5 परिवार में 6 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। अब वर्ष दिया है, स्कूटियों की संख्या दी है, इन आंकड़ों से दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक ना। अब हमको क्या बनाना है, दंड आरेख बनाना है, क्या करना है, दंड आरेख। तो सभी बच्चे स्केल
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए सभी लोग। वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ वर्ष दिया हुआ है और स्कूटियों की संख्या दी गई है। तो 2002 में कितनी स्कूटी है, ठीक ना, सारा यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है। इन आंकड़ों को एक दंडारे क्या बनाना है, सामने देखो दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। किताब में देखिए सभी लोग, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक ना। तो यहाँ हमने दंड आरेख पहले से बना लिया है, दो लाइन खींचेंगे, एक रहेगी क्षैतिज और एक लंबवत, एक लंबवत एक क्षैतिज, बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको। उसके बाद देखिए सभी लोग, इधर लिख देंगे स्कूटियों की संख्या और दो दो लाइन पे, ये देखो एक लाइन ये दो लाइन, दो दो लाइन की गैप देके 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400 लिख लेंगे। उसके बाद इधर वर्ष दे देंगे, 2002 है, 3, 4, 5 और 6, यहाँ स्कूटियों की संख्या और इधर वर्ष, यानी जो लंबवत लाइन है, खड़ी लाइन है, उस पर स्कूटियों की संख्या और जो पड़ी हुई लाइन है उस पर वर्ष लिख देंगे। अब देखिए 2002 में 800 है ना, तो 800 के सामने यहाँ लाइन खींच के और एक समान दूरी का स्तंभ खींच देंगे। उसके बाद 2003 में कितनी स्कूटी है, तो 600 के सामने लाइन खींची और एक समान दूरी का स्केल से स्तंभ खींच लेंगे। 2004 में कितनी स्कूटी है, 900, तो यहाँ देखो 1000 है या 800, इसके बीच में 900 है, तो 900 के सामने क्या करेंगे, हाँ रेखा खींच के और यहाँ पे स्तंभ एक निर्माण कर लेंगे, स्केल से सीधा होना चाहिए। किताब में सभी लोग देखें। उसके बाद 2005 में कितनी है स्कूटियों की संख्या, 1000 है, 1100 है, कितनी है सुख में देखिए सभी लोग, 2005 में, 2005 में कितनी स्कूटियों की संख्या है, 1100, तो 1100 देखिए 1000 और 1200 के बीच में 1100 है, तो 1100 के सामने लाइन खींच के और एक स्तंभ का निर्माण स्केल की सहायता से कर लेंगे। 2006 में कितनी स्कूटियां बिकी, 1200, तो 1200 के सामने लाइन के ले जाएंगे और इस तरह एक स्तंभ खींच लेंगे। समझ में आया सबको, यस मैम। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई बताओ, तो वर्ष 2006 में। अब अगला क्वेश्चन है किस वर्ष न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई बताओ, 2003। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए 2003 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अंक तालिका में प्राप्तांक, नीचे दी गई अंक तालिका में प्राप्तांकों को टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात करनी है। किताब में देखो, ठीक ना, कर लोगे ना, तो देखिए शांति से 7, 9, 8, 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसी एक सारणी बना लेंगे। इससे पहले हम समझा चुके हैं, जिनको नहीं आ रहा है बुक में देखें, जिनको आ रहा है वो भी देखें, कर लोगे अच्छी बात है, क्योंकि पहले हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो देखो 7, 9, 8 ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ एक क्रम संख्या हो गई, प्राप्तांक हो गया, टैली चिन्ह और बारंबारता, इस तरह की सारणी कॉपी में बना लीजिएगा। प्राप्तांक में देखिए 7 लिख दिए और टैली चिन्ह क्या लगाए, 1, 2, 3, 4 और 5, 4 के बाद हम ऐसे क्रॉस करने के लिए कहा था ना, लाइन को तिरछे काट देंगे, तो ये टैली चिन्ह हो गया। और बारंबारता कितनी है, 7 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिख दिए 5, यहाँ इसका टैली चिन्ह बना दिए। उसके बाद देखिए 9 को देखिए कितने बार आया है, दो बार आया है, तो दो बार इसको यहाँ पे गोला कर लेते हैं, यहाँ दो टैली चिन्ह लिखे, यहाँ बारंबारता 2 लिख दिया। अगली को संख्या है 8, अब 8 को देखो कितनी बार आया है, 5, तो 5 बार आया है, तो बारंबारता हम 5 लिख देंगे और 1, 2, 3, 4 करके यहाँ काट दिया, ये 5 हो गया। अगली संख्या क्या है, 5 लिखो, 5 कितनी बार आया है, देखिए हो ना ध्यान से, 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख दिया 4, यहाँ देख लो 1, 2, 3, 4। अब अगली संख्या क्या है, 6 कितनी बार आया है,
छह बार, तो यहाँ लिख देंगे छह, एक दो तीन चार, और इसको काट दिए एक दो, हो गया ना, ये सात हो गया, एक की संख्या एक रहेगा, पहली चिन्ह में एक रहेगा। अगला क्या है, चार लिखो तीन बार, तो एक दो तीन, यहाँ लिख दिया तीन, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अजय के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक का प्रतिशत निम्नवत है, अब दंड चित्र द्वारा निरूपित करिए। तो आप सभी लोग को पता है दंड चित्र के बारे में बता चुके हैं ना, पहले क्या करेंगे इधर दिखाओ, पहले जो है एक लंबवत लाइन खींचेंगे सीधी एकदम, सभी लोग ध्यान से देखें, सीधी लाइन खींचे और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। अभी होमवर्क हो गया आप लोग का, हाँ चौथा क्वेश्चन होमवर्क में करके ले आना है सबको, यहाँ पे जीरो लिख देंगे इधर लिख देंगे, कर लोगे ना, आ रहा है ना सबको, ठीक है।